पड़ा क्यों रुके मारे ओ पिया चढ़ जा जिन्ने पर के मेरी बात भी सुन ले सुनाइए अरे तो चुकती भिक्षा चाहिए मई दे जा तड़ उतरी के तो चुकती भिक्षा चाहिए मई दे जा तड़ उतरे के ओ तड़ खड़ा क्यों रुक के मारे चढ़ जा जीने पर के अरे तो चुकती भिक्षा चाहिए मई दे जा तड़ उतरे के क्या बात है उसका जो पिया जी कहिए माता मुझे एक दिन सपना आया था के सपना आया था कि आपने इसी तरीके से बाबा जी का भेष धारण कर रखा था और मैंने कहा था पिया जी मुझे डर लगता है कहीं मेरा ये सपना सच ना हो जा लेकिन आपने एक बात कही थी कि रानी कभी भी सपने सच नहीं होते मैंने कहा ना मैं आज कोई किसी का पिया नहीं हूँ मैं तो अपने गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ उन्हीं के आदेश के कारण तेरी ड्योढ़ी पर आया हूँ मेरी बात को सुन ले रपणी कह करके बता दे माई सुन ले क्या बात है हमारी इस गोपीचंद की रागड़ी पे खुश होकर के आदरणीय रविंद्र प्रधान जी कचेड़ा से 1000 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी को खुश होकर दे रहे हैं हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आइए किस तरह से बना हमारे जगत नागर जी ये भी 200 रुपए दे रहे हैं उनका बार बार धन्यवाद करते हैं माई कहिए क्या कहना चाहती हैं आप सुनिए मेरी बात बिल्कुल साची पाई योग सफल हो माई योग सफल हो माई ओ बेटा क्यों कर कहूं जड़े मेरी लगन ननंद का भाई इनमें कौन भूल बिसर दे छोड़ पहलड़ी राही छोड़ पहलड़ी राही सोने के मन हो सोने के मन थाल परोसे चीम लिए मन भर के लाख घोर के बीजा साधु हर का नाम सुमर के लाख घोर के बीजा साधु हर का नाम सुमर के वीर बानी
पति के हो बिना पति के मन है बता तूने पीर दिखा दे दर के सबर का मुक्का मार लिए पूरी कर ली छाती कर के सबर का मुक्का मार लिए तू कर ली छाती कर के कहिए माई क्या कहना चाहती हैं? सुनिए मेरी बात मैंने एक बात बता दे बाबा जी कहिए माई अब तुम तो बाबा जी बन गए हो लेकिन जो यो घरबार है ये 16-16 रानी और ये 12-12 छोरी इनका ब्याह कौन करेगा बताते हैं शास्त्रों के अनुसार कि साधु निर्मोही होता है साधु सन्यासी होता है उसका मोह परमात्मा के अलावा किसी में नहीं होता ना मेरी कोई 16 रानी है ना 12 कन्याएं हैं आज तो मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ भजन करता हूँ उनकी सेवा करता हूँ जब तक तो एक ब्याह ना करा 16-16 ब्याह करे हैं अब इन नौकर एक एक मुझसे की गोली दे दे सारी आ मर जाएंगे आप भी भगवान के भजन में लीन हो जाइए मेरे गुरु की शरण में चली जाइए वहीं आपका उद्धार होगा सुन ले मेरी बात सुना दे कदे कदे हत मेरा पिया था राजा छत्रधारी भजन करूं अरे गुरु की सेवा यही बात समझ में यही बात समझ में आ रही ए रसोड़ा रानी मोस बिठा दी कन्या का रखवारी साधु के लगे बताई से काम करे घर बारी काम करे घर बारी पहलम त मन हो और कहिए माई क्या कहना चाहती हैं? अभी तक तुम ही कह दो बाबा जी श्रीमान मांगे नागर जी ये भी 200 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारी पार्टी का हौसला देकर उनका बार बार धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहिए माई क्या कहना चाहती हैं? सुन ले मेरी बात क्या
धोखा दासोलिया हर का नाम सुमरे के तड़ खड़ा क्यों रुक के मारे चढ़ जा जी ने पर के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए बैठे जा तड़ उतरे के एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए बैठे जा तड़।